हाँ बच्चे आज ध्यान देंगे कि आज के वीडियो में बर्थ कंट्रोल के बारे में ये डिस्क्रिप्शन करेंगे कि बर्थ कंट्रोल क्या है। पिछले वीडियो में हमने बताया था पॉपुलेशन एक्सप्लोइशन, जो जनसंख्या वृद्धि स्पोर्ट है, जो जनसंख्या वृद्धि में जो विस्फोट हो रहा है, अर्थात जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, इसके पीछे क्या कारण हैं। लेकिन आज ये हम बताएंगे कि जनसंख्या वृद्धि पर हम नियंत्रण कैसे करेंगे, अर्थात हम बर्थ पर हाउ कंट्रोल ऑन ह्यूमन बर्थ, कैसे हम मनुष्य के बर्थ पर कंट्रोल करेंगे। इनके लिए देखें कुछ निम्नलिखित पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स जानना जरूरी है। इसमें पहला है हम दो हमारे दो, वी टू एंड आवर, एक परिकल्पना के रूप में RCH प्रोग्राम के थ्रू यह अवेयर किया गया पब्लिकली फ्रॉम एज 15 टू 24 इयर्स एज ग्रुप, 15 से 24 वर्ष के लोगों के बीच एक अवेयरनेस कराया गया कि बर्थ कंट्रोल कैसे हम करेंगे। इनका एक काउंसलिंग किया गया और यह जो एक स्लोगन दिया गया हम दो हमारे दो, इसका मतलब यह है कि जैसे पेरेंट्स होते हैं माता पिता संख्या में दो, ठीक उसी प्रकार से दो बच्चे भी होना चाहिए। इस तरह का एक जो ये हाइपोथेसिस है इनका भी प्रचार प्रसार किया गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट है स्टेट्यूटरी बैन, एक कानूनी बैन लगाया गया, कानूनी तौर पर एक बैन लगाया गया कि जो उम्र का जो मैरिज एज है यह भी एक निर्धारित होना चाहिए, जिसके लिए एक निर्धारण किया गया कि बालिकाओं के लिए ये 18 वर्ष और बालकों के लिए 21 वर्ष के उम्र का ये निर्धारण किया गया और इसके तहत ये मैरिज अलाउ किया गया, जिसे हम स्टेटरी बैंक। नंबर तीन है नेचुरल मेथड्स, कुछ प्राकृतिक विधाएं हैं जिन्हें हम अपना करके हम बर्थ कंट्रोल करते हैं, और ये विधाएं जैसे सबसे पहले अगर हम जिक्र करें तो यह पेरियाडिक एवस्टिनेंस बोलते हैं उसको, पेरियाडिक एवस्टिनेंस, और ये जो पेरियाडिक एवस्टिनेंस है ये माना जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में ओवुलेशन की क्रिया होती है, ओवुलेशन की क्रिया, और इस ओवुलेशन में जो ओवम फॉर्म होते हैं, जो ओवम आते हैं, तो उनसे 3 दिन बाद 15, 16, 17 और 3 दिन पहले 13, 12 और 11। तो इसका मतलब ये है कि 10 to 17 days are very
सेंसिटिव डे इज फॉर फर्टिलाइजेशन, सो दिस इज नोन एज फर्टाइल पीरियड। इस अवधि को हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं। और मेल पर्सन एवॉयड इन दिस फर्टाइल पीरियड टू मेक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स विथ हिज या विथ हिज फीमेल। माने इस अवधि में सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो क्रिया है उससे बचना चाहिए, और ये पीरियडिक एब्स्टिनेंस कहलाता है, दिस इज नेचुरल। सेकेंड वन, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्शन इंटरप्टस। इन दिस मेथड मेल पर्सन एवॉयड इंसेमिनेशन टू द वजाइना ऑफ द फीमेल। इट मीन्स मेल पर्सन विड्रॉ हिज पेनिस बिफोर द इजेकुलेशन। इट मीन्स इंसेमिनेशन नॉट टेक्स प्लेस into the reproductive tract of the female, so it is called as withdrawal or coitus interruptus. Next, lactational amenorrhea. Lactational amenorrhea, its meaning, it's clear. Lactational amenorrhea, it means during lactation when mother produces milk, in this period never menstrual cycle occur and no chances of fertilization because no formation of ovum, so it is called as lactational amenorrhea. In this period, by the sexual intercourse, do not happen any fertilization, no any ovulation. But this period is nearly 6 months, but also this method is not perfect to prevent the fertilization. माने ये period lactational amenorrhea का अर्थ है जब मदर बच्चे देती हैं और उसके बाद उनके अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन की प्रक्रिया है उस दौरान उस अवधि में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, इट मीन्स नो ओवम फॉर्मेशन, सो इंटरकोर्स मे बी टेक्स प्लेस बट नो एनी फर्टिलाइजेशन एंड नो जाइगोट फॉर्मेशन। सो इन दिस पीरियड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मे पॉसिबल and this is also a method of birth control. Next प्रश्न है bad luck। बहुत से ऐसे operators produce किए गए हैं जिनका उपयोग जनरली मेल एंड फीमेल करते हैं और वो किसी भी
फर्टिलाइजेशन से अपने को बचाते हैं, और इन्हें हम कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी कहते हैं। दिस इज कंट्रासेप्टिव ऑपरेटर्स लाइक कंडोम्स, ए लैटेक्स पेपर का ये बना होता है, लैटेक्स सीड का ये बना होता है, और मेल इनका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड बाउल्स आर आल्सो कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस विच इज यूज्ड बाय द फीमेल टू प्रिवेंट द एनी फर्टिलाइजेशन। तो दीज आर द डिवाइसेस विद द हेल्प नो एनी गेस्टेशन कंप्लीट। नेक्स्ट आयूडीएस, देखिए कुछ आयूडीएस इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस होते हैं जिनका उपयोग फीमेल में होता है, और ये सभी ऑपरेटर्स जो ये उपयोग में लाए जाते हैं, तो इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस यह भी तीन प्रकार का होता है। ये यूट्रस में फिट किए जाते हैं, जैसे इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस में जैसे नॉन मेडिकेटेड, द फर्स्ट है नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस। दिस टाइप ऑफ आयूडीएस इंट्रोड्यूस इन द फीमेल यूट्रस एंड दिस हैविंग फैगोसाइटिक नेचर रिजल्टिंग स्पर्म आर बिकम इनएक्टिव एंड ऑल्सो बाय द फैगोसाइटिस नेचर स्पर्म्स नॉट फर्टिलाइज एनी ओवम लाइक नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस लाइक लिप्स लूप, चाकू है लिप्स लूप। सेकेंड कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, सेकेंड है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस। दिस डिवाइसेस रिलीज कॉपर आयन एंड कॉपर आयन रिड्यूस द एक्टिविटी एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म बाय विच स्पर्म इज नॉट एबल टू फर्टिलाइजेशन लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉपर टी, कॉपर सेवन, मल्टीलूम 300 या 375, मल्टीलूम 375, दीज आर द कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, कॉपर टी, कॉपर सेवन और मल्टीलूम 375। थर्ड वन इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस, एग्जाम्पल LNG 20
20 एंड प्रोजेस्टा सर प्रोजेस्टा सर दीज आर टू इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस बिलोंग टू हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन मेक द यूट्रस अनेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड ऑल्सो फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन यू कैन से दिस टाइप ऑफ यूटेरिन मेक द यूट्रस अनेबल टू एनी गेस्टेशन सो दिस टाइप ऑफ आईडीएस आर ऑल्सो यूज इन बर्थ कंट्रोल नेक्स्ट वन पिल्स एंड इंजेक्शन इम्प्लांटेशन पिल्स पिल्स का मतलब होता है प्रोजेस्ट्रोजन 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 और एक होता है प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन दीज आर टू हार्मोन्स विच टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पिल्स दिस इज कंट्रासेप्टिव पिल्स दीज पिल्स आर टेकन बाई द फीमेल जस्ट स्टार्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट डे फ्रॉम फर्स्ट डे टू 21 डेज अप टू 21 डेज दिस टाइप्स ऑफ पिल्स आर टेकन बाई द फीमेल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टिंग and up to 21 days after 17 days after 7 days gapping this method is repeated again and again when the female want to contracept want to No any gestation. Or space between child. देखिए ये जिनको हम contraceptive pills कहते हैं गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं ये progesterone और progesterone estrogen हार्मोन की बनी हुई गोलियां होती हैं इनको फीमेल क्या करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से लेना शुरू करती है और वन पिल्स पर डे वो लेती है 21 दिन उसके बाद 7 दिन के बाद फिर एक गैप करती है फिर ये क्रिया दोहराती है और ये तब तक चलता है जब तक वो नहीं लेना चाहती कोई भी प्रेगनेंसी अर्थात किसी भी प्रेगनेंसी को या गैप चाहती हैं तब तक वो इसको बार बार हर महीने में 21 दिन तक उसी वो लेती है इससे भी यह भी एक मेथड है जिससे कि ये बर्थ कंट्रोल लास्ट है स्टेरिलाइजेशन नहीं इसमें थोड़ा सा ये है इंजेक्शन इम्प्लांट कभी कभी ये जो परडे जो एक गोली खाना है इसके लिए इसके इंजेक्शन भी आते हैं और ये इंजेक्शन कुछ अवधि के लिए ये स्किन के अंदर इसको इंजेक्ट कर देते हैं और वो लंबे समय तक कार्यकारी होता है 2 से 3 वर्ष तक वो कार्यकारी होता है और उसके बीच में कोई गेस्टेशन उनके अंदर नहीं होती तो ऐसी स्थिति में अब एक तीसरा मेथड है स्टरलाइजेशन इट मीन्स नो एनी फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस
आफ्टर इंसेमिनेशन, दिस इज परमानेंट टेक्निक, रिवर्सिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल, दिस इज डीमेरिट्स। माने ये परमानेंट मेथड है, अगर एक बार में आपने ऐसा कर लिया फिर दोबारा अगर आप करना चाहेंगे नहीं, फिर से हम इसके बाद हम फिर प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या फिर हम ये किसी प्रकार का बर्थ देने की इच्छा बन रही है तो फिर वो संभव है। इसलिए परमानेंट मेथड, इसमें दो फीमेल में उनको ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब को काट करके अलग अलग बांध, जिससे उनमें कोई चांसेस नहीं होता ये फर्टिलाइजेशन। उसी तरह से और इसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। और सेकेंड वन, सेकेंड वन इज द वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी इसमें मेल के वास डिफरेंस को काट करके अलग अलग बात देते हैं, जिससे स्पर्म रिलीज आउट नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में दीज आर द मेथड्स बाय विच बर्थ कंट्रोल आकर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ को, पॉपुलेशन एक्सप्लोइशन को कैन बी कंट्रोल। तो आज इस वीडियो में केवल यही भी, और इसके बाद जो है नेक्स्ट कुछ प्रकरण हैं इनको हम बाद में भी बताएंगे। धन्यवाद।